गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बना रहे हैं आज मटन, ये से बंगाली में कहा जाएगा मांसो कौसा। हम बना रहे हैं आज मटन बिना पानी के, पानी इसमें हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और ये बहुत यम्मी बनने वाला और बहुत ही झटपट। आप देख सकते हैं मैंने आधी किलो मटन लिए, पसली का पीस है ये। इसमें मैंने दही, प्याज, जो मसाले हमारे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी मैंने इसमें मिक्स कर लिया। मैं इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी ताकि जो उसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। मैंने इसमें जीरा को भून के डाल दिया है, जीरा भून के पीस लिया था मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, कच्चा तेल, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे ताकि ये बहुत ही जल्दी बन जाए। आधे घंटे बाद हम इसको बनाएंगे, तब तक अच्छे से मैश कर लेंगे मसाले को ताकि जो मसाला है हमारा वो अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए। ऑब्जर्व होने के बाद आधे घंटे बाद हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, हमने तेल ले लिया, कढ़ाई बिठा दी है। अब तेल को गर्म करके हम डाल देंगे कलौंजी, कलौंजी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। फिर डालेंगे खड़े मसाले और इसमें कलर के लिए मैं डाल रही हूँ चीनी। जी हाँ, चीनी डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आएगा। हम अपने मटन, हमारा जो मैरिनेट हो चुका है आधे घंटे बाद, आधा घंटा हो चुका है, अब हम तेल में इसको डाल देंगे, डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये भून जाता है, 3-4 मिनट इसको थोड़ा सा भून के, ढकेंगे नहीं, 3-4 मिनट इसको हम ऐसे ही तेज़ आंच पे भूनेंगे। उसके बाद हम इसको ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए, स्टीम में इसको पकाएंगे थोड़ा सा भूनने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में ढकने से ना फिर वो भूनता नहीं है मसाला, तो हम इसको भून के फिर मैंने इसको ढक दिया। ढक के मैं इसका ढक्कन देखूंगी 5-7 मिनट बाद। ये मसाला हमारा अभी भुना नहीं है, अभी थोड़ा सा थोड़ा इसको हिलाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि मसाला हमारा नीचे ना चिपके। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ये जो मैंने बनाया है मांसो कौसा, मतलब मटन का जो मैंने बनाया है, मटन जो मैंने बिना पानी के बना रही हूँ, इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और बहुत ही टेस्टी होने वाला है। इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिसके भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये मैंने ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रखा है और ना ज़्यादा फीका है, इसे कोई भी खा सकता है और जो खाएगा उंगली चाटता ही रह जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और खुशबू सुन के मुझे भूख लग गई है। थोड़ी ये जल्दी बन जाए, अब ये लग रहा है लगभग, इसका टेक्स्चर आप देखिए कितना बढ़िया आ गया है। अब इसमें हाँ देख लेंगे इसको, ये 70% देखने में लग रहा है कि ये पक चुका, फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे, एक बार चेक करके देखेंगे ये पका कितना है। चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा ना, देखें चेक करा है तो अभी नहीं पका, अभी मतलब वही 70% ही अंदाज पका है। अब इसको थोड़ा सा ढक के और पका लेंगे हम। लगभग लगभग मेरा मटन रेडी है। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप फिर भी चेक कर लेते हैं, हाँ मटन मेरा रेडी हो चुका है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मटन बहुत ही टेस्टी बनाए, खुशबू बहुत अच्छी आ रही, इसे सर्व कर देंगे रोटी के साथ, आप देख सकते हैं। थैंक यू।